बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं स्नैक बना रही हूँ और ये मैंने 3 मीडियम आलू लिए हैं जो पहले से बॉयल हैं, और इन्हें अच्छे से मैश कर लेना है ताकि कोई लम्स ना रहे इनके अंदर। इस तरह से आप कोई भी कद्दूकस ले सकती हैं या जो घिसने वाली चीज़ हो, ये आप फोक की मदद से भी आलूओं को कर सकते हैं। अब इसमें जो मसाले जाएंगे वो डाल लेते हैं। 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर मतलब कुटा हुआ ज़ीरा है 1 टीस्पून, साबित धनिया कुटा हुआ 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, हरा धनिया तकरीबन 1 टेबल स्पून, हरी मिर्च ये मैंने बारीक चॉप करी है, छोटी सी ली थी ज़्यादा नहीं, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। हल्दी ये भी 1/2 टीस्पून, चावल का आटा 2 चम्मच भरकर, कॉर्नफ्लोर ये भी 1 चम्मच भरकर। अब इसे मिक्स कर लेना है। ये हमने मिक्स कर लिया है और हमारी डो अच्छे से तैयार हो गई है। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर आप ऑयल में डालते हैं और ये बिखरने लगते हैं तो आप इसमें 1 चम्मच चावल का आटा और मिला सकते हैं, और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पहले हाथों में ऑयल लगा लें ताकि चुपके नहीं है। अब जितने बड़े आपने लेने हैं, छोटे या बड़े, आप उसके मुताबिक इस तरह से और बॉल बना के रखते जाएं। इसे भी आप लंबाई में कर लें। इसे भी आप इस तरीके से ज़रा प्रेस करना पड़ेगा आपको, ज़रा दबा के, जब जाके ये बन जाएगा आराम से। एक ये डिज़ाइन है, जो आपको बेहतर लगे आप वो डिज़ाइन बना सकते हैं। इस तरीके से लंबाई में लेकर आ जाएं, ठीक है। फिर दरमियान से इनको काट दें। एक ये शेप होता है, ये डिज़ाइन पॉप टॉप्स की तरह का हो। अगर आपके पास नहीं है कुछ तो आप इस तरीके से ये गोल रिंग भी तैयार कर सकते हैं। ये सिंपल डिज़ाइन है, आप ये भी तैयार कर सकते हैं। ये मैंने तमाम डिज़ाइन बता दिए, जो आपको अच्छा लगे, जो बेहतर लगे, आप वो इस तरह का बना सकते हैं। मीडियम फ्लेम के ऊपर इन्हें फ्राई करना है। तमाम डिज़ाइन के हमारे पोटैटो स्नैक तैयार हो चुके हैं।